हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय, उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो जन्म हुआ था वो सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था? रमादत्त मिश्र था। उसके बाद इसमें आगे देखिए, इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जेल में रहे। यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक इन्होंने 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया, और जिसकी वजह से इन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी, यानी कि इन्हें जेल जाना पड़ा। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि इन्होंने अपने अंतिम क्षण तक साहित्य की सेवा की और सन 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका साहित्य परिचय लिखेंगे, श्री कन्हैयालाल मिश्र जी की लघु कथाएं भावपूर्ण और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की आरंभिक झांकी है। यानी कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की लघु कथाएं भावपूर्ण और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की आरंभिक झांकी है। प्रभाकर जी की रचनाओं में भाषा शैली शुद्ध साहित्य खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। यानी कि श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा जो शैली शुद्ध साहित्य खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। इन्होंने नया जीवन एवं विकास नामक दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। यानी कि प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास इन दो समाचार पत्रों का संपादन किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इन्होंने लघु कथा संस्मरण रिपोर्टर्ज आदि अनेक नई विधाओं में साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। यानी कि इन्होंने लघु कथा संस्मरण रिपोर्टर्ज आदि अनेक नई विधाओं में साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। तो इस प्रकार से साहित्यिक परिचय के बाद इनकी रचना लिखेंगे। देखिए रचनाओं में आपको क्या लिखना है, रेखा चित्र, लघु कथाएं, संस्मरण और निबंध, ठीक है। तो देखिए रेखा चित्र में आपको लिखना है, जिंदगी मुस्काई महके आंगन चहके घर, माटी हो गई सोना, ठीक है। जिंदगी मुस्काई महके आंगन चहके घर और माटी हो गई सोना। उसके बाद देखिए दूसरा, लघु कथा में लिखेंगे आप आकाश के तारे धरती के फूल, ठीक है, आकाश के तारे धरती के फूल। उसके बाद संस्मरण में आप लिखेंगे दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। उसके बाद इनके निबंध में लिखेंगे क्षण बोले कण मुस्काए बाजे पायलिया के घुंघरू, ठीक है। यानी कि क्षण बोले कण मुस्काए बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनका निबंध है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनकी रचना और साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को कंप्लीट करने के बाद आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।